लौकी से तो आए दिन हम सभी के घरों में कई तरह के नाश्ते, पराठे और सब्जियां बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी की ऐसी मज़ेदार, टेस्टी और बहुत बहुत नई रेसिपी। अगर आप लौकी नहीं भी खाते हैं ना, तो इस रेसिपी को देखने के बाद से लौकी आपकी फेवरेट हो जाएगी। बहुत ही कम सामान में, कम मेहनत में बनकर तैयार होती है, जो सबको बहुत पसंद आती है। और मैं गारंटी देती हूँ कि एक बार आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो तुरंत ही इसे बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें जो लौकी का चुनाव करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है। हमें यहाँ पर जो लौकी लेनी है बिल्कुल सॉफ्ट छिलके वाली और कम बीज वाली होनी चाहिए, मतलब बहुत ही रफ बीज नहीं होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट सी लौकी लेंगे तो रेसिपी में बहुत ही अच्छी सी मिठास आएगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले लौकी को मैंने धो लिया है, इनको छील लेते हैं और इनके जो साइड्स हैं इनको हम काट करके हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी ली है लगभग 700 ग्राम के आसपास है, तो आप सारी चीज़ों का मेज़रमेंट इसी हिसाब से करिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं लौकी हमने ली है, इसमें बिल्कुल भी बड़े बड़े बीज नहीं है, बहुत ही नरम और एकदम सॉफ्ट है। ऐसे ही लौकी का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए इसको हम कद्दूकस करने वाले हैं, इनको हम काटने वाले नहीं हैं। बहुत ही बारीक वाले कद्दूकस का इस्तेमाल किया है मैंने, और इसी से हम इनको इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पतला पतला ही करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा मोटा मत कीजिएगा, नहीं तो लौकी के जो लच्छे हैं ना वो ऐसे साफ साफ दिखते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं दिखते। तो यहाँ देखिए सारे लौकी को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अभी इसको साइड में रखते हैं और चलिए तैयार करते हैं चटपटा सा घोल। उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल, और इसमें डालेंगे बेसन 1.5 कप। तो ध्यान रहे 700 ग्राम लौकी के लिए मैंने 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो चलेगा, लेकिन 1 कप मत करिएगा, 1.5 कप से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, कोई से भी बेसन ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, इसकी रेसिपी का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हमें यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर और बाकी और मसालों की ज़रूरत नहीं है, किचन किंग मसाला डाल दिया मतलब सारी चीज़ें हो गई। इस मसाले को आप घर में बना सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप बाज़ार वाले भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मिला लिया है मैंने, अब इसमें डालेंगे पानी। तो जिस बर्तन से नाप कर मैंने बेसन लिया था उसी बर्तन से नाप कर मैं 2 से 2.5 कप के आसपास पानी डालूंगी। पानी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, आप ज़्यादा डाल देंगे तो चलेगा। तो पहले थोड़ा थोड़ा डालें ताकि जो बेसन की गुठलियाँ हैं ना वो निकल जाएँ, फिर हम इसमें आसानी से पानी डालकर इसका जो घोल है वो एकदम बढ़िया करेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी लगभग सारी गुठलियाँ निकल गई हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से घोल रही हूँ, और ये देखें एकदम बढ़िया सा हो गया, इसमें गुठलियाँ नहीं है। तो अब इसमें हम वापस से 1 कप पानी फिर से डाल रहे हैं, और इनको डालकर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। नमक आपको लगे तो आप दोबारा से चेक करके डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा घोल एकदम बढ़िया चटपटा सा तैयार हो गया है। चलिए अब इनको हम कुक करते हैं, बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है ये। तो इसके लिए मैंने एक भारी तली का बड़ी सी कढ़ाई का यूज़ किया है, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, आप सरसों तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने 1/4 छोटी चम्मच के आसपास, थोड़ी सी करे पत्ते भी अगर आप डाल दें तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च दरदरा कुटा हुआ, और इसको भी हम तेल में थोड़ी देर भून लेंगे ताकि कच्चा टेस्ट निकल जाए, लेकिन इतना पकाना है कि ये जले नहीं, बस अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको लगभग 1 मिनट के लिए इनको पका लेंगे, और जैसे ही सिक जाएंगे हम इसमें डाल देंगे ये हमारी तैयार की हुई कद्दूकस की हुई सारी की सारी लौकी, ये देखिए। और अब इनको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे तड़के के साथ में, और तब तक इनको पकाना है ताकि जो लौकी है एकदम बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए, जो भी इसमें जूस है वो एकदम ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो चलिए फ्लेम को कम कर देते हैं और इसको ढक कर 5 मिनट पकने देते हैं, और 5 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं। ये देखें लौकी हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, जो भी एक्स्ट्रा पानी था एकदम बढ़िया से ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पर ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि लौकी से सारा जूस एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, तभी हम इसमें ये बेसन वाला जो मिक्सचर है वो डालेंगे। अगर आप लौकी गीली है तभी डाल देंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको सुखाने में, इसलिए पहले लौकी को अच्छे से ड्राई कर लीजिए फिर आप बेसन वाला घोल डालें। तो चलिए अच्छी तरीके से हमारा ड्राई हो गया मिक्सचर, तो अब ये सारा बेसन वाला घोल हम इसके अंदर डाल देंगे और बढ़िया से इनको मिक्स करेंगे, ये देखिए। तो अभी मैंने फ्लेम को कम रखा है ताकि गुठलियाँ ना बने, एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम से हाई कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बेसन बढ़िया से कुक हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए। तो मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है, लगातार चलाते रहें स्पेशली तली में ताकि लगे नहीं, और बेसन को बढ़िया से पकाना है, कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपके पास एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो यहाँ देखिए बेसन वाला मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट तैयार होने लगा है, गाढ़ा होने लगा है, और इसकी खुशबू से आपको पता चलेगा कि बढ़िया से कुक हो रहा है, कच्चे टेस्ट की खुशबू नहीं आ रही है। तो अब इसमें डाल देंगे लगभग 3 से 4 बड़ा चम्मच धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। धनिया के पत्ते की जगह पर आप चाहें तो मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते भी ले सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बने। धनिया के पत्तों को डालकर 1 मिनट और हम हाई फ्लेम पर इनको पकाएंगे ताकि जो गीलापन है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मिक्सचर हमारा एकदम बढ़िया हो जाना चाहिए, कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए, और आप देखेंगे जैसे इसे कुक होगा ना कढ़ाई इस तरीके से छोड़ने लगेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब फ्लेम को हम कम कर देते हैं और तैयार करेंगे हमारी थाली। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके की नॉर्मल थाली ली है जो सबके घर में अवेलेबल होता है, आप ट्रे भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छी तरीके से इसको चिकना कर लीजिए, और अब ये तैयार किया हुआ बेसन वाला और लौकी वाला मिक्सचर हम इस प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए तो गरम गरम ही डालना है, ठंडा करके नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से परफेक्ट शेप नहीं लेगा। अच्छी तरीके से इनको फैला लेते हैं किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से, एकदम बढ़िया बराबर कर दीजिए इनको, ये देखें। और अब चलिए इनको हम पंखे के नीचे छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो जल्दी जमाना है तो आधे घंटे फ्रिज में रख दें, जल्दी ही सेट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया से ये ड्राई हो गया, इनके किनारे अपने आप ही निकल गए हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा तेल लगा देंगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इनको अपने मनपसंद शेप में हम छोटा छोटा इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़े, तिकोने, जैसे आपको पसंद आए आप काट सकते हैं। तो देखिए ये बढ़िया से हमारा एकदम बढ़िया चौकोर टुकड़ा निकल कर तैयार हो गया है। आप इसको कई सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक दिया हुआ है, नए नए तरीक़ों से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो फ्राई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो आपके लिए तरीका लेकर आए हैं वो भी बहुत ही यूनिक और बहुत बहुत डिलीशियस है। तो चलिए इसको बनाते हैं और भी ज़्यादा चटपटा। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, यहाँ पर भी आप चाहें तो सरसों तेल ले सकते हैं। अब डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने, और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे, और अच्छी तरीके से इनको भून कर हम तैयार करेंगे। मेथी जब भी डालें तो ध्यान रहे अच्छी तरीके से उनका कलर डार्क हो जाना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। बस इतने ही मसाले की हमें इस रेसिपी में ज़रूरत है, हमें कोई भी धनिया, जीरा, गरम मसाला डालना ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है और बहुत बहुत चटपटी। बस थोड़ी देर के लिए हम इनको भून कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं, तो फ्लेम को एकदम कम कर दें। और अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 बड़ा चम्मच। तो यहाँ आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, और अच्छी तरीके से इस तेल और मसालों के साथ में बढ़िया से मिलाएंगे। 1 मिनट इनको पकाएंगे ताकि कच्चा टेस्ट इनका भी निकल जाए, और तेल छूटने तक इन्हें बढ़िया से सेक लेंगे। तो देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, कच्चा टेस्ट निकल गया है लहसुन अदरक का। तो अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, यहाँ हम प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे इस रेसिपी में। अगर आपको लहसुन भी पसंद ना हो तो आप सिर्फ अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। टमाटर मैंने 1 बड़े साइज़ का लिया था अच्छे तरीके से पीस करके, और अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर बढ़िया से कुक हो जाए और साइड से तेल भी रिलीज होने लगे। तो जल्दी से कुक करने के लिए क्या करेंगे, ढक देते हैं इसको थोड़ी देर और फ्लेम को कम कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आइए चेक कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम सांभर मसाला पाउडर। तो यहाँ इस रेसिपी में जो खास टेस्ट देगा वो ये सांभर मसाला पाउडर ही है जो मैंने घर में बनाया है। आप बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी तो मैंने ये वीडियो डाल दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सांभर मसाले की, एकदम परफेक्ट और डिलीशियस टेस्ट आता है इससे। अब डाल देंगे 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ सांभर मसाले से भी काम हो जाएगा। अच्छी तरीके से इनको मिलाएंगे ताकि जो मसाले हमने अभी डाले हैं वो अच्छी तरीके से ग्रेवी में जाकर के फूल कर तैयार हो जाए, तभी बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मसाले हमारे बढ़िया से घुल मिल गए हैं और अच्छी तरीके से इसमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया वाली आ रही है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ जो पानी है मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाते हैं, क्योंकि बाद में जब हम बेसन के टुकड़े इसमें डालेंगे तो ये ग्रेवी को अब्सॉर्ब भी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर पतला ही ग्रेवी रखेंगे। और जैसे ही पानी डालेंगे इसको उबालना नहीं है, फटाफट से हमने जो चौकोर चौकोर टुकड़े काट कर रखे थे ये इसके अंदर डालेंगे, और अब हम अच्छी तरीके से इनको मिला लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए इनको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि अगर आप ज़्यादा देर पका देंगे तो ये एकदम टूट सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्लेम को कम कर देंगे, इसमें अच्छा सा 1 से 2 उबाल आने देंगे, और आइए अब चेक कर लेते हैं। खुशबू इसकी इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि पूरा घर महक उठा है, और स्वाद इतना अच्छा है कि आप उंगलियां चाट जाएंगे।
और ये लीजिए सब्ज़ी हमारी बहुत ही बढ़िया डिलीशियस एकदम मज़ेदार सी तैयार हो गई है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, कोई खाकर बता ही नहीं पाएगा कि इसे आपने लौकी से बनाया है। बहुत ही डिलीशियस कम मसालों में और हेल्दी तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो जो लोग लौकी नहीं खाते हैं एक बार उनको ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। किसी भी रोटी पराठे चावल के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। और जो टुकड़े हैं लौकी के वो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। लौकी की इसके अंदर एक खास मिठास है जिससे कि और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाती है। ज़रूर से एक बार बनाइए। वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हर दिन एक नई वीडियो मिलती रहेगी, वो भी फ्री में। इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से हमें लिख के बताइएगा कमेंट में। एक बार बनाइए और खाइए खिलाइए। चलिए एंजॉय कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।